एक पत्थर की मूर्ति मंदिर के अंदर होती है, एक पत्थर मार्बल जमीन पे लगा होता है। मार्बल की मूर्ति मंदिर के अंदर, गए हो ना शंकर जी के मंदिर, पार्वती जी की मूर्ति काहे की होती, मार्बल की, गणेश जी की मूर्ति मार्बल की, और वो मंदिर में लगा जमीन पे लगा क्या है, वो भी मार्बल, एक ही मार्बल, एक ही खदान का, एक ही दुकान का, बस अंतर इतना है जब निकला, निकलने के बाद जब तराशा जा रहा था, उसको पीटा जा रहा था, ठोका जा रहा था, उसने जिसने कष्ट सहन कर लिया, घिसाई कटाई ठुकाई जिसने सहन कर लिया, वो मंदिर में मूर्ति बनकर पूजा गया। जब दूसरे पत्थर को भी मूर्ति बना रहे थे टूट गया, तो इनने का बीच बीच में से काट दो, पत्थर बना दो, जमीन पे लग गया। जिसने चोट को सहन करा वही मंदिर में पूजाया, जो चोट सहन नहीं कर पाया उस पे तो जूता रखाया। चोट सहन करना सीखो, शब्दों को सहन करना सीखो, तानों को सहन करना सीखो, गालियों को सहन करना सीखो, घर के बुजुर्ग तुम्हें अपशब्द कहेंगे, सहन करना सीखिए। जितना सहन करोगे, ये सहन करना क्यों बता रहे हैं, क्योंकि तुम्हें तराश रहे हैं, तुम्हें बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सास अगर पूछा रही है, सास अगर पूजा रही है, तो उसको तराशा था उसकी सास ने, इसलिए पूजा गई। सास भी अपनी बहू को तराशती है, शब्दों के बाण कहती है, ताने देती है, तुम कितनी सहनशीलता रख सकते हो वो दिखाओ। और यहाँ तुम्हें जब पूरा तराश देगी, तब उसको विश्वास हो जाएगा कि मेरे बाद अब ये संभाल लेगी। दुकानिया चैन की नींद जावे, चाबी तेरे लिए ही छोड़ जावे, अब संभाल के तराश दिया उसने, अब तो माला चढ़ेगी, फूल चढ़ेगा, सब आएगा, तो धन दौलत संपदा सब आएगी, तराशेगी वो शब्दों के बाण कहकर, अपशब्द कहकर, ताने देकर। कई बहुएं कहती हैं, गुरुजी हमारी सास बहुत आड़ा टेढ़ा कहती, बहुत बोल दो उसको कि एक बार मत बोले, थी एक सास बहू बहुत झगड़ा करती थी। एक दिन सास एक पंडित जी के पास गई, गुरुजी मैं तो बड़ी तंग आ गई मेरी बहू से, कई करूं मैं तो मर जाऊं। हमने कहा काय को मरे बहन, मरने की जरूरत क्या, मेरी बहू बहुत गाली दे। हमने कहा तू नहीं दे, तो हमने कहा तू कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मैं तो चुप रहूं। तो मैंने कहा चुप रहे तो एक काम कर, तेरी बहू को 10 दिन में सही कर दूं। ले इतनी बड़ी एक अंदर से सुपारी मंगवाई, मंगरोल सुपारी इतनी बड़ी, कह दी ये 10 दिन तक तेरे मुंडे में रखना, बस खाने के टाइम निकालना, इसके सिवा मत निकालना, रखिए रात के सोता समय वो भी धरी ले तू, तो बस खाने का टाइम निकाल दे। इतनी बड़ी सुपारी दे दी, पूजन मूजन करी, पुजारी सुपारी दे दी, वो माने सुपारी, 10 दिन मत बोलना, बस बहू तो तेरे पांव पड़ेगी, धोख लगाएगी, तेरे को प्रणाम करेगी, रोटी गरम गरम देगी, 4-5 दिन में अच्छी हो जाएगी, बस मुंडा से निकालना मत, सुपारी नहीं निकालना। वो उन्हें मुंडा में सुपारी रख ली, जो गई कुबेरेश्वर महादेव से, मुंडा में सुपारी धर दीजिए बड़ी सारी। अब बहू के लगा कहीं गठान मठान तो नहीं हो गई, तो यहाँ भरी सुपारी, अब ये तो जाए और चुपचाप बस। अब बहू को, बहू ने कोई सब्जी वब्जी ज्यादा बना दी होगी, वो फेंकने चली गई, ज्यादा बन गया खाना, तो इसको गुस्सा तो हुआ, पर मुंडा में तो सुपारी उसी को कतर रही, सुपारी भी बड़ी सारी पेटी है, कतर रही अंदर से, गुस्सा तो हुआ। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन अब बेटी बहू ने पूछा क्या बनाऊ, उसने मन से बनाया आज इडली सांभर। अब डोकरी तो खाती नहीं थी इडली सांभर, इसे पसंद है, और उन्हें तो सब निपटा भी जोरदार, और सब बना के मम्मी के कमरे में लाके, इडली सांभर बनाया मम्मी, रखा है तुम्हारा, खा लो। अब सास ने बोला था खाए जमीन, मुंडा से निकाला, निकाली, चल गई भूखे मारे से खाना कर, खाई फिर मुंडा में सुपारी रख ली। 3 दिन 2 दिन तक बहू ने आप शब्द भी कहे, ताने भी दिए, बोली भी खूब खूब बोली, पति को भी बोली जो बोलना था बोला, बोला था, अभी बोली तो कुछ नहीं, क्योंकि इसको गुस्सा है तो सुपारी कतर ले। 4 दिन निकल गए, बहू को लगा कि मेरी सास को बुरा लग गया कि मैं सुबह लेट उठती हूँ 8:30 बजे तक, तो आज बेचारी सुबह उठ गई 6:30 बजे, झाड़ू माड़ू लगा लोगों के, मम्मी के कमरे में जाकर देखा तो मम्मी तो सो रही थी, लेटी थी, उठ के उसने सास को मान लो उठेगी 8:30 बजे तक, मैं 6:30 मेरे को जल्दी उठू, तो उठा के पोछा मुझे झाड़ू लगा लोगों के, और आज तो सवेरे ठाकुर जी की सेवा पूजन करके डोकरी के घर में कमरा में चाय ले गई। डोकरिया के मालूम पड़ा सीवर वाला महाराज ने जरूर कुछ करा, अब इनके कहीं मालूम सुपारी मुंडा में, चुप क्या बोले। सास को लगा काम कर गई सुपारी,
बहुत सुधर गई, चाय लिया इतना साल में नहीं लिया, झाड़ू भी लगा लिया, भुंसाड़ा छोड़ गई सुबह से, दोनों के खुश, अब वो भी खुश ये भी खुश, दोनों खुश। निकलते निकलते 8 दिन निकल गए, अब तो बहुत तेल लगा दे सास के नाम में, लगा दे मुंडा में सुपा, अब तो मन में आ रहा है कि सुपाड़ी निकाल कर फेंक दूं, पर 10 दिन की है दवाई तो पूरी रखना पड़ेगा 10 दिन। खूब प्रेम से अब बहू ने कहा मम्मी मैं गाड़ी चलाना सीख गई, चलो पीछे बैठो मैं तुमको बाजार घुमा लो, हड़ताली का तीजा तो साड़ी वाड़ी धरी हूँ, लोग भुड़ भुड़ा के और लाइन वही सवा। अब बस गाड़ी चढ़ाते चढ़ाते पल्लू भी उड़ जाए तो तुरंत सास उसका सिर पर पल्लू भी डालते, बहू को बड़ी खुशी हो, माइटू करके कितना मेरा ध्यान रखे, और साड़ी दिलाई इसने, पैसा दिया डोकरी, कोई दिक्कत बढ़िया, प्रसन्न हो रही ना, तो बहुत सुधर गई, प्रसन्नता कितनी आए। 10 दिन निकला, सीधे महाराज जी के पास पहुंची सुपाड़ी दी, गुरु जी बड़ी कृपा हुई हमारी, बहुत 5वें दिन सुधर गई थी। महाराज जी बोले बहू नहीं सुधरी तू सुधर गई, मुंडा से बोलना कम कर देनी तो आधी लड़ाई तो यूज करता, पर खाया बिना रह जाऊ ये देखो मैं तो बोला ही नहीं, तुम पहले बोल दिए, बोला बिना बात तो यही अड़ी रही, दिक्कत तो यही अड़ी है कि महाराज जी नहीं बोल पा रहे, तुम पहले खाया बिना रह जाऊं पर बोला बिना नहीं, तो नहीं बोला, बोलने में तो लड़ाई बोलेंगे क्या, किसको रोइए चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, चकाचक रहिए, किसके लिए रहोगे किसके लिए कहोगे मस्ती।